आज हम जिस सितारे के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है कबीर बेदी। बॉलीवुड अभिनेता कबीर बेदी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ और रोमांस को लेकर चर्चा में रहते हैं। कबीर बेदी 73 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म ताजमहल से की थी। इसके अलावा उन्होंने कच्चे धागे, खून भरी मांग और मैं हूं ना जैसी फिल्मों में भी काम किया है। कबीर बेदी ने पहली शादी ओडिसी डांसर प्रोतिमा गौरी बेदी से की थी। अभिनेत्री पूजा बेदी प्रोतिमा और कबीर की ही बेटी है। कुछ समय साथ रहने के बाद कबीर और प्रोतिमा में तलाक हो गया था। अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद कबीर का नाम ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुजैन के साथ जुड़ा। अफेयर के कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद कबीर टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक्की से मिले। दोनों ने साल 1992 में शादी कर ली, लेकिन बाकी दो शादियों की तरह इस शादी का अंत भी तलाक पर हुआ। इसके बाद 70 साल की उम्र में कबीर ने परवीन दोसांझ से शादी की थी। परवीन एक टीवी प्रोड्यूसर हैं। 10 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 2016 में दोनों ने शादी की। कबीर की चौथी पत्नी परवीन उनकी बेटी पूजा बेदी से 4 साल छोटी है। इस शादी के बाद खबरें आई थी कि कबीर और उनकी बेटी पूजा से रिश्ते खराब हो गए हैं। वैसे कबीर बेदी का नाम मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी के साथ भी जुड़ चुका है। तो दोस्तों, यह थी कबीर बेदी और उनकी शादियों के बारे में कुछ बात। आप बने रहें YRY18 लाइव के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।